चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है जिसमें शादियों को टारगेट करके एक व्यक्ति द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके पास से चोरी के सामान जब्त किए हैं। मामला छतरपुर का है जहां एक व्यक्ति जिसका नाम कमलेश लोधी बताया जा रहा है उसे पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी कमलेश लोधी शादियों में आता जाता है और वहां चोरी की वारदात को अंजाम देता है। कमलेश ने पहले ओरछा रोड पर शादी के कार्यक्रम में चोरी की, उसके बाद उसने विराज गार्डन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए उसके पास से चोरी के कई सामान भी जब्त किए हैं। इस मामले में CSP लोकेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी ज्यादातर शादियों में ही जाकर चोरी करता है। ये थाना सिविल लाइन में विराज गार्डन में एक लड़का पकड़ा गया था। इसके द्वारा बाद में बताया गया था कि ये शादियों में चोरियां करता है और एक मामला इसमें सिविल लाइन का था जिसमें लगभग 1.25 लाख की चोरी इसने बताई थी और इसको पकड़ा गया है। इसके पूर्व में भी ये ओरछा रोड थाने में चोरी कर चुका है, उसका भी इसके पास से माल जब्त किया गया है और इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। क्या क्या पकड़ा गया है? इसमें शादी का जो कपड़े हैं वो और जो जेवरात थे उनको जब्त किया गया है। इससे लगभग 3 से 4 लाख इसमें बताया जा रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।